BLY58@gmail.com हाँ UPBLY बी है फर्स्ट नहीं व्हाट्सएप नहीं क्योंकि प्रिंट निकालना होगा उससे फिर उस पर मोहर लगेगी ना ठीक है ठीक है ठीक है हाँ पीड़ी को परी ठीक है मट्टी मट्टी वो डीला था ना डीला जोड़ी को परी होती और हम वहाँ से छोटा वाला वहाँ का क्या नाम है आपका मदन लाल जी अच्छा क्या मामला हुआ यहाँ पे यहाँ पे ये मैंने सुना है कि विस्फोट हुआ है यहाँ पर कोई आवाज आई है और इसमें मतलब यहाँ बच्चों के चोट आ गई हाथ वगैरह सब उड़ गए कितने बच्चे झुलस गए 3 लोग कितनी कैसे झुलस गए ये यहाँ पे मतलब दीवार खसाते पर आवाज़ आई थी कुछ निकला दीवार के अंदर जिससे आवाज़ हुई और उसी से बच्चों के चोट आई कितनी चोटें आई हैं चोटे का गंभीर रूप से एक का हाथ चला गया है एक के मुँह में टूटा गया है कुछ एक के मतलब यहाँ पर कुछ छते जैसी जाने जैसी आवाज़ और खून की फुहारे भी दीवारों में पड़ी इधर मार गया हड्डी भी निकल गई है किसी का क्या नाम है आपका रामदेव अच्छा ना, क्या हुआ यहाँ पे आपके गांव में मेरे गांव में ये है जो दोनों तीनों बच्चे तो छोटे पर सब ननसार रहते थे माँ बाप इनके छोटे से मर गए थे तो अब इनके नानी नानाने माई मामा ने पाले थे अब जो अपनी जगह बनाने आए थे आज अपनी जगह बनाई या 2-3 दिन से भर रही तो पता ना इन्हें फड़ुआ मारा तब उसमें से छोटा लड़का कह रहा था कि उसमें से शीशा वीसा से लिख रहे हमें ये दिखाई दी कैसी स्थिति में वो झुलसे लड़का तो एक के वो तो बहुत उसमें है सीरियस गंभीर बहुत है हाथ में पटक रहा था वो उसमें क्या आवाज जैसी भी हुई धमाके की हाँ आवाज बहुत तेज भई थी ऐसे मान लो गोला फट गया ऐसे कर है यहाँ पे यहाँ मामला कुछ मैं था बाहर खेत पे तो अजीब तरह से आवाजी हुई थी मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ और यहाँ आए यहाँ पता चला कि इनके चोट लग गई है और मैं यहाँ आया देखा उनका हाथ बिल्कुल ब्लास्ट था कुछ अजीब आवाज़ हुई तो फिर आके मैंने देखा फिर फोटो वोटो लिए वो आपको दिए आवाज़ कैसी हुई आवाज़ बहुत तेज हुई थी बहुत फास्ट आवाज़ थी काफ़ी दूर तक पहुँची थी धमाके की आवाज़ हाँ धमाके थी बिल्कुल बहुत तेज कहाँ क्या कर रहे थे ये लोग अपनी जगह खसा रहे थे 3 दिन हो गए परसों से खसा रहे हैं जगह खसाने पे आवाज़ क्या हुआ ये नहीं कह सकता मैं कि जगह खसाते पे हुआ या मतलब मैं मौजूद नहीं था मामले पर बात यह है कितने लोग झुलस गए 3 लोग एक गंभीर रूप से सीरियस है भैरी सीरियस है और एक 2 लोग थोड़ी चोट लगी हुई है बिल्कुल हाथ फटा हुआ है बिल्कुल मैं आपका हाँ क्या हुआ यहाँ पे हम भैया ले लाना है यहाँ तो पल्ली और अच्छा फिर भी कैसे आए आप सुन के यहाँ पे हमें आवाज सुन के आए कैसी आवाज हुई आवाज खूब भाई अब पटाई के हम जा कहे का वो टायर फटो फिर आप आए यहाँ पे देखा के क्या देखा आपने देखो का अब जे जे सबई के झोका झुको तो लला सब देखा था देखी नहीं देखी हां तो उसमें बात कर रहे हैं मुझसे बात कर क्या निकल के आया अभी तक ये दिवाई लाल कश्यप हैं ये 3 भाई हैं तो तीनों अपने ननिहाल में रहते थे ये 3 दिन पहले अपने गांव आए थे और गांव में जो इनका पैतृक आवास है उसे साफ कर रहे थे इस पैतृक आवास पर इनके चचेरे भाई का कब्जा था वो छप्पर ऊपर डालकर अपने जानवरों को बांधता था तो वो इन्होंने बेदखल कर दिया था चचेरे भाई को और अपना इन्होंने कब्जा कर लिया था उसे बनाने बनाने के लिए आज ये दीवार तोड़ रहे थे उस मकान की तो उसमें एक विस्फोट हुआ उसमें दिवाईलाल घायल हो गया और इसका भाई जो शिवा था उसके भी हल्की चोट आई है तो प्रथम दृष्टया ये सुतली बम लग रहा है सुतली के वहाँ पर निशान भी हैं
और ये रंजिश का मामला लग रहा है कि इन्होंने जिसे बेदखल किया था वो इनसे रंजिश मानने लगा था कि उसने इसे सोच रहा होगा कि यहाँ से चले जाएं। कुछ ऐसा कोई भारी विस्फोटक तो नहीं उसे मिला है? नहीं, ऐसा कोई विस्फोटक नहीं है। फील्ड यूनिट वहाँ मौके पर है, वो मटेरियल इकट्ठा कर लिया गया है। तो मामला रंजिश का लग रहा है, इस तरह का बम नहीं है।